हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ खेल चिकित्सा शास्त्र एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, 45 एमसीक्यूज क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे वो इंजरी हो, चाहे मसाज हो, चाहे और डोपिंग से रिलेटेड टॉपिक हो, सभी चीज़ें मैंने थ्योरी वीडियोज में कंप्लीट कर दिया है। उन थ्योरी वीडियोज का आप एक बार देख लेंगे तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंप्लीट चीज़ें वहां पे बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किसी भी स्टेट के कर रहे हो, ऑलमोस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है सेम होता है, तो सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे वीडियोज है, चाहे थ्योरी सेशन हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, सभी चीजें हल कराई गई है। जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं उन सबको मैं जल्द से जल्द पूरा कराऊंगी और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। अगर डेली बेसिस पे मेरे वीडियो को देखते हैं तो जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, चाहे यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी एलटी ग्रेड, चाहे एमपी टेट, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए डेली बेसिस पे और सभी वीडियोस को जाके देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो डोपिंग टेस्ट वह है, वह 1968 मैक्सिको ओलंपिक में शुरू किया गया, पहली बार डोप टेस्ट हुआ और उसमें स्वीडन के पेंटाथलिट गुनर लिलिंजे वाल डोपिंग पॉजिटिव पाए गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोपिंग का प्रथम केस कब मिला था, तो यह मिला था 1960 रोम ओलंपिक में और डेनमार्क का रोड साइकिलिस्ट जो था, जिसका नाम था न्यूड एनमार्क जॉनसन, जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया, उन्होंने रोनिकल और एम्फिटामाइन नामक दवा ले लिया था, जो अधिक ले लिया था, जो आपका सहनशीलता को बढ़ाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डोपिंग परीक्षण की जांच की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे डोपिंग परीक्षण की ज्यादातर यूरिन से जांच की जाती है, बट यहाँ पे केवल यूरिन दिया नहीं है, डोपिंग परीक्षण की जांच यूरिन और ब्लड दोनों से किया जाता है। जब यूरिन से पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो रक्त की जांच किया जाता है, तो दोनों से जांच किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों, यहाँ पे डोपिंग का दोषी आपका कार्ल लुइस नहीं है, जबकि रिक डोमेंट, डिएगो मैराडोना, वेन जॉनसन, ये तीनों की तीनों डोपिंग पॉजिटिव है, डोपिंग के दोषी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन डोप यानी मादक औषधि, जिसे एर्गोजेनिक दुर्ग भी बोला जाता है इंग्लिश में, के वर्ग में नहीं आता। तो दोस्तों, यहां पे जो है आपका निकोटीन जो होता है, निकोटीन जो दर्द निवारक होता है, और निकोटीन जो होता है वह दर्द निवारक होता है, निकोटीन जो होता है वो नहीं आता है आपके मादक औषधि में। और इसके अलावा जो आपका होता है एर्गोजेनिक एड्स, कैफीन, ये दोनों आपके मादक औषधि में आता है। तो डोपिंग में कौन प्रतियोगिता के लिए प्रतिबंधित है, कौन नहीं है, ब्लड डोपिंग क्या है, जिन डोपिंग क्या है, इस सभी को जानने के लिए डोपिंग वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों कि FIMS का मतलब क्या है। तो FIMS का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। नेक्स्ट है जो दवाइयाँ पेशियों का परिणाम बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं, तो वे क्या होती हैं। तो दोस्तों, जो दवाइयाँ पेशियों की क्षमता को बढ़ाती हैं
वो होती हैं एंड्रोजेनिक एस्टेरॉयड। क्या होती है? एंड्रोजेनिक एस्टेरॉयड। दोस्तों जो एंड्रोजेनिक एस्टेरॉयड होता है यह डोपिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली दवा है। यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के जैसा समझा जाता है और ये जब इसका इसको शॉर्ट में बोला जाता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक एस्टेरॉयड यानी कि AAS। AAS का फुल फॉर्म होगा एंड्रोजेनिक एनाबोलिक एस्टेरॉयड, जिसमें से एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्क्यूलिनिंग और एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण, यानी कि जो पौरुष तत्व या टिश्यू बिल्डिंग मांसपेशियों को बिल्ड कर दे, क्षमता बढ़ा दे, उनसे वो आपका एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड होता है। नेक्स्ट है खेल दवाई क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है। तो खेल दवाई क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे खेल की अभिवृत्ति में सहायता, खेल की अभिवृत्ति में सहायता ये सहायक नहीं है, सम्मिलित नहीं है इसमें। उसके अलावा आपका पोषण और आहार, चोटों से बचना और उसका इलाज तैयार करना और प्रशिक्षण इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है खेल तथा उपचार यानी स्पोर्ट्स इंजरी एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि क्रायो चिकित्सा, जो बर्फ चिकित्सा किया जाता है, कंट्रास्ट बाथ जिसमें ठंडा और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है, वर्लपूल जिसमें से बड़ा बड़ा से टब में जहाँ पे चोट लगता है इंसान को डुबोया जाता है वर्लपूल बाथ में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आपके जल चिकित्सा हैं, भाग हैं, बट यहाँ पे वैक्स बाथ नहीं है, ये मोम चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। तो बंद चोट जिसमें आपका रक्त नहीं बहा है, मांसपेशियां या उतक या टेंडन फूटा नहीं है, तो उसके लिए आपको बर्फ एवं ठंडे पानी से सेकना यानी कि बर्फ और ठंडे पानी की चिकित्सा प्राथमिक उपचार में करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किसमें संबोधित किया जाता है? तो शारीरिक उपचार को फिजियोथेरेपी से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है मालिश की एफ्लुरेज तकनीक है। तो दोस्तों मालिश में जो स्ट्रोकिंग एफ्लुरेज तकनीकी को हम कहते हैं सहलाने की हस्त कौशल विधि। तो जो मालिश होता है चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, पेट्रिसाज, सैकिंग यानी कि सहलाना, दबाना, थपथपाना, झकझोरना। तो इन सभी के बारे में, मालिश के चारों भागों के बारे में मैंने इतने अच्छे ढंग से बताया है दोस्तों को, उस वीडियो को देखने के बाद आपको मालिश जब किताब में पढ़ेंगे इतना लंबा चौड़ा दिखता है, बट उस छोटे से 5-10 मिनट के वीडियो में मैंने पूरे मालिश को अच्छे ढंग से सभी पार्ट को कवर कर दिया है, जो आपको एकदम ट्रिक के साथ याद हो जाएगा एक वीडियो देखने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है? तो कोई प्रतियोगिता या खेल से पहले कितने घंटे पहले मालिश करना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे गलत उत्तर दिया है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 से 3 घंटा, यानी कि 1 से 2 घंटा पहले मालिश किया जाना चाहिए। यहाँ पे 1 से 3 सबसे निकटतम लग रहा है, तो 1 से 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंट्रास्ट बाथ के प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? तो कंट्रास्ट बाथ कहते किसे है जिसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी से चिकित्सा किया जाता है, उसे कंट्रास्ट बाथ कहते हैं। उसमें सबसे पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कैसे पानी का प्रयोग किया जाता है कंट्रास्ट बाथ में? ठंडे पानी का, जैसा कि मैंने सभी के बारे में बता दिया है जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे हाइड्रोथेरेपी हो, क्रायोथेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी हो, डायथर्मी हो, सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सेशन एक बार देखेंगे तो एमसीक्यू लगाना आसान हो जाएगा।
निरंतर ठंडे एवं गर्म पानी को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो अभी मैं तुरंत बताई हूं, उसको कहते हैं कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट है, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उसको स्टिंगर बोला जाता है। नेक्स्ट है, सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? सबसे पहले बैंडेज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसके बाद ही कोई चीज करते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट, जल जाने पर आप क्या करेंगे? कमर से ढकेंगे कि नीचे लेट जाएंगे कि कपड़ा उतार देंगे? सबसे पहले उसको अधिक से अधिक जल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो उसमें उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। नेक्स्ट है, खेल में चोटें कैसे लगती हैं? तो जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ज्यादातर इसी में चोटें लगती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूजन कम होती है। तो दोस्तों, सूजन जो है कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है, ठंडा और गर्म पानी का, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, चाहे विद्यार्थी हो, माता पिता हो, बच्चे, अध्यापक हो, सभी के लिए इसके आवश्यक है जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? तो उसको स्टीम बाथ देना यानी भाप स्नान देना ज्यादा बेहतर होगा। संपूर्ण शरीर में यदि दर्द हो रहा है तो सबसे अच्छा उपचार है स्टीम बाथ। नेक्स्ट है, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों, मोच के तुरंत उपचार के लिए जितने भी एथलेटिक प्रकार की चोटें हैं उसमें सबसे ज्यादा क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ चिकित्सा किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रायोथेरेपी क्या है? तभी तुरंत बताई हूं, ये क्रायोथेरेपी जो है बर्फ द्वारा चिकित्सा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? दोस्तों, तो आप जानते हैं यह होता है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, जिसे बिंबाणु भी कहते हैं। तो दोस्तों, रक्त जमने की जब बात कहा जाए तो जब रक्त कणिका में बात हो तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स करता है, जब विटामिन में बात आए तो वो विटामिन के होता है, जब खनिज लवण में बात आए तो कैल्शियम आपका विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, जब प्लाज्मा प्रोटीन में बात आए तो वो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो होता है, जो यकृत में निर्माण होता है बट पाया जाता है रक्त में प्लाज्मा में, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वो भी सहायक करता है रक्त क्लोटिंग यानी ब्लड को जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है यानी मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, कोमल होता है, क्योंकि ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इसको ग्रीन स्टिक बोला जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दोस्तों, सभी प्रकार के फ्रैक्चर और जितने भी प्रकार की चोटें हैं, चाहे लिगामेंट की चोट हो, मांसपेशी की चोट हो, टेंडन की चोट हो, कोई भी चोट हो, सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी को डिटेल में देख सकते हैं और अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रेप त्वचा या म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो जो हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत है और वो जब छिलता है या किसी सतह पर गिर जाने से, रगड़ खाने से होता है, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो दोस्तों, प्राथमिक उपचार में जिसे RICE, जिसे थंब रूल भी बोला जाता है, उस विधि से इसका उपचार किया जाता है। पहले इसको RICE बोला जाता था, अब इसमें सबसे पहले P जोड़ दिया गया है और अंत में S जोड़ दिया गया है, यानी कि PRICES हो गया है। क्या हो गया है? PRICES हो गया है। इसमें से पी से तात्पर्य है प्रोटेक्शन यानी कि चोट लगने के बाद उसको थोड़ा बचाव करना, आर से है रेस्ट यानी कि चोटिल भाग को आराम देना, आई से है आइस यानी कि चोटिल भाग पर बर्फ का प्रयोग करना, सी से है कंप्रेजर यानी कि दबाना, यानी कि चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग की तरफ दबाना, जिससे उसका
उस भाग का रक्त संचरण रुक जाएगा, कम दर्द होगा, सूजन कम होगा। इसके लिए टॉनिक बैंडेज का भी प्रयोग किया जाता है। और ई से होता है इलेवेशन। ई से क्या होता है? इलेवेशन यानी कि चोटिल भाग को हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना, ठीक है। आई एस से होता है सपोर्ट। तो ये होता है आपका राइस पद्धति या प्राइसेस अब हो गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों? स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों के बारे में मैंने कई वीडियो में डिस्कशन किया है कि स्प्रेनली और स्ट्रेनम ऐसे करके याद कर लीजिए। स्प्रेनली आप बोलेंगे तो मतलब होगा कि स्प्रेनली यानी स्प्रेन यानी जो मोच होता है वह जोड़ों पर यानी लिगामेंट में अत्यधिक खिंचाव होने से होता है, और स्ट्रेनम यानी कि मसल्स यानी टेंडन में अत्यधिक खिंचाव से होता है। यानी इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आ गया उसी तरह का, स्ट्रेन क्या है? तो यह क्या होगा? पेशियों का फटना या खिंचाव स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट है चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन दिया है, जबकि सबके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रक्त बिंबाणु होगा। यहाँ पे विषाणु गलत लिखा है, विषाणु नहीं होगा, रक्त बिंबाणु होगा जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। नेक्स्ट है स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों, स्प्रेन जो है जोड़ों पर दो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। जब जोड़ों पर लिगामेंट में अत्यधिक खिंचाव हो जाता है उसे स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन में इस ऑप्शनों में से कौन आएगा? तो इसमें आपका लिगामेंट आ जाएगा और जोड़ आ जाएगा, यानी पहला और चौथा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल की चोटों के पूर्व इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए। तो किस पे निर्भर रहना चाहिए? भौतिक चिकित्सा पर कि दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा पर? तो इन दोनों पर निर्भर रहना चाहिए खेल के चोटों के पूर्व इलाज के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से क्या रिकेट्स से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतर छाती यानी पिजन चेस्ट, जिसमें आपके दोनों कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, और मतलब कि आपके जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त स्त्राव को रोकने का अत्यंत प्रभावी तुरंत उपाय क्या है? तो तुरंत उपाय है, जस्ट उपाय आपका होता है घाव पर सीधे दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंग यानी फ्रैक्चर की अति सामान्य जगह कौन सी होती है? तो यह होती है आपकी कलाई यानी रिस्ट। नेक्स्ट है खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती है, तो किससे दोस्तों? यह मसाज के द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है, क्योंकि उससे लचीलापन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है घुटने की कुस्कुरी यानी कोमल आस्थि की चोटें समानता इससे संबंधित हैं। तो घुटने की ज्यादातर चोटें लगती हैं फुटबॉल में। नेक्स्ट है कंधे की विस्थापन यानी डिसलोकेशन चोटें समानता इससे जुड़ी होती है। सबसे ज्यादा यह होता है आपका जूडो में। नेक्स्ट है खेलों की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए हमें इस पर निर्भर रहना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो केवल भौतिक चिकित्सा पर कि केवल दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा पर? तो उन दोनों पर निर्भर रहना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे रीढ़ की चोट तो आपका डिस्क फिसलना यानी स्प्लिट डिस्क भी है, और विस्थापन है, चीरा है, यहाँ पे भंग नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों कौन नहीं है आपका? तो यहाँ पे आपका चीरा नहीं होगा, ठीक है। रीढ़ की चोट कौन नहीं है? चीरा नहीं होगा। भंग यानी कि आपका भंग भी हो सकता है, भंग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भंग अक्सर जोड़ों पर ही होता है। भंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मतलब खिसक जाना। तो यहाँ पे भंग नहीं होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका भंग नहीं होगा। जो रीढ़ की हड्डी में विस्थापन दोस्तों, या इसका आंसर सही ढूंढना पड़ेगा, कंफ्यूजन है इसमें। तो इनमें से कौन सी रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन सही ढूंढ के आप बताइएगा। चीरा यहाँ पे होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चिकित्सा में यह उपयोग किया जाता है। तो जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। इसे पानी का प्रयोग करके, ठंडा गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भंग के इलाज में कौन सी तकनीकी अपनाया जाता है। तो भंग के इलाज में आपका तकनीकी निभाया जाता है करसण का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भंग का मतलब है, यहाँ पे भंग का मतलब है लाइन पड़ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब उसका आंसर जो होगा भंग ही होगा। नेक्स्ट, बच्चों में दोष युक्त अस्थि का विकास इस कारण से होता है। तो वो होता है रिकेट्स के कारण। नेक्स्ट है, हेयर लाइन फ्रैक्चर को यह भी कहते हैं। तो हेयर लाइन जो हमारे पेशियों में जो लाइन पड़ जाता है अत्यधिक खिंचाव से या किसी कारण बस ओवर यूज के कारण, तो वह भंजन भंग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी जो विद्युत के माध्यम से चिकित्सा किया जाता है उसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोला जाता है। वैक्स थेरेपी जिसमें मोम के माध्यम से चिकित्सा किया जाता है उसको वैक्स थेरेपी कहा जाता है। और बर्फ थेरेपी जिसमें बर्फ थेरेपी को क्रायोथेरेपी भी बोला जाता है, जिसमें बर्फ का प्रयोग करके चिकित्सा किया जाता है। नेक्स्ट, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रोलर बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आपके थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। और आप और ज्यादा स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन वाले प्ले लिस्ट में जाइए और स्पोर्ट्स मेडिसिन के 300-400 क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं। और फिर से मैं एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं रिवीजन कराऊंगी, उसमें डिटेल में सभी चीज़ें रहेंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।